हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। जनगणना के कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और फैक्ट पढ़ने के बाद इसी में हम लोग टेस्ट पेपर लगाएंगे। फैक्ट इसलिए पढ़ेंगे ताकि जो पॉइंट आपको डाउट हो वो क्लियर हो जाए और टेस्ट में एक भी प्रकार की गलती आपकी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी में, वहाँ पर एक से दो प्रश्न आपके पक्के होते हैं कि आपके जनगणना से रखे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, देख सकते हैं 19,98,00,000, लगभग वही बोला जाता है ना कि 20 करोड़ आपकी है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत आपकी है, तो 16.51% है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कितने प्रतिशत है, 16.51% है। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है। सर्वाधिक जनसंख्या आपके प्रयागराज, ये कह सकते हैं आपके इलाहाबाद में, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। यहाँ पर रटने वाली बात क्या है कि इसमें भी बाद है, इसमें भी बाद है और इसमें भी बाद है। तो सबसे पहला इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर आपका यहाँ पर लखनऊ दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या हम देख सकते हैं महोबा। ठीक है, कौन सा, महोबा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बा शब्द मिला था और यहाँ भी बा है आपको, तो इससे पॉइंट याद रहेगा महोबा। महोबा के बाद आपका जो लगा हुआ चित्रकूट है, फिर हमीरपुर है, श्रावस्ती और ललितपुर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दो पॉइंट आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है आपका, 829 है। कितना है भाई, तो 829 है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले आपके 5 जिले पूछा है। तो देख सकते हैं कि गाजियाबाद सर्वाधिक, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपके 3,971 लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद वाराणसी के स्थान आता है, फिर लखनऊ, फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब तीन ही आपको पॉइंट मैक्सिमम आपको देखने पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 पॉइंट में कम्प्लीट हो जाता है। अगला है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, तो आपका ललितपुर, ठीक है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर और महोबा। अगला उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है आपका 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले की बात करें, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कहाँ पर है, जौनपुर में, अर्थात यहाँ पर 1000 पुरुष और 1000 महिलाओं को काउंट किया जाता है लिंगानुपात में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या आपकी ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पर, जौनपुर में, और आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात में देखा जाए तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर हमीरपुर, बागपत, कानपुर। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर आपकी कितनी है, 67.7% है। जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है और महिला की साक्षरता दर आपकी कितनी है, 57.2% है। देखा जाए तो यूपी में आपके महिला और पुरुष की जो साक्षरता दर का डिफरेंस लगभग होता है वो आपका 20% लगभग आपका देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक अंतर है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षर वाले आपका कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया, फिर इटावा। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले आपके श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाले, तो सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। ठीक है, तीन तीन पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा। न्यूनतम साक्षर दर जो कि पुरुष की सामने है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षर, याद रखिए सर्वाधिक महिला साक्षर आपकी कानपुर नगर में, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम महिला साक्षर, तो वही आपका होएगा श्रावस्ती, बलराम और आपका बहराइच।
अगला है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है आपके यूपी में, तो यूपी में नगरीय जनसंख्या आपकी है 22.3% और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 77.7%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है कि 5 जिले कौन है, तो आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में आपका गाजियाबाद, लखनऊ और आपका कानपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात का प्रतिशत, ये पॉइंट आपको फैक्ट याद रखना है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात का प्रतिशत है आपका 20.7% और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले की अगर बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई में। न्यूनतम अनुसूचित जात की बात करें तो आपके बागपत, बरेली और बलरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है 0.6। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात किया है, जनजाति आपके यहाँ पर कम है, ठीक है, तो 0.6% है। अब आपको जो फैक्ट याद करना है वो आपका यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था 5 मिनट का समय देना है, 5 मिनट के समय के बाद आपको टेस्ट लगाना है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। अभी हमने आपको बताया था पुरुष साक्षरता दर, और पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, तो 77.3% है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो गया। अब आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा यह टेस्ट और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, यहाँ पर 2001 के अनुसार से पूछ लिया है, और यहाँ पर जो जैन लोग थे वो सर्वाधिक आपके साक्षर थे। अगला है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है, तो शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो आपका है वो आपका कितना है, अभी हमने आपको बताया था कि आपका 902, ठीक है, 902 है, याद रखिए शिशु लिंगानुपात कितना है राज्य में आपके 902 है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, महिला आबादी जो आपकी निवास करती है वो आपकी निवास करती है 48%, ठीक है, ये आपकी है कुल आबादी के हिसाब में पूछा गया है। और अगला है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप में घटा है, अर्थात जो लिंगानुपात में सर्वाधिक विभेद है, सर्वाधिक डिफरेंस है, वो कब घटा था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1991 से 2001 में सर्वाधिक विभेदता देखने को मिली थी लिंगानुपात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकी वृद्धि दर अधिकतम थी, तो प्रदेश की सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर जो आपकी अधिकतम थी वो आपकी थी 1991 से आपके सन 2001 में, ठीक है, ये दशकी वृद्धि दर आपकी अधिकतम रही थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर देखी गई थी, तो सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई थी, तो आंसर आपका वही हो जाएगा 1991 से 2001 में, ठीक है। देखो आपका टेस्ट बिल्कुल इजी होने लगेगा अभी। अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है, एसटी और एसटी लोग जो आपके ये यहाँ पर हैं सर्वाधिक लोग, मतलब कि जनजाति जो है वो आपके सोनभद्र में निवास करती है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार केवल जो निगम क्षेत्र में हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो हैं वो आपके कौन हैं, क्रम से देखना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आपका आगरा, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा, याद रखिएगा एक क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, जनघनत्व अभी हमने आपको बताया था सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके गाजियाबाद में है, कहाँ पर है भाई, गाजियाबाद में है, ठीक है, अभी हमने आपको कहता है सर्वाधिक जनघनत्व तो आपके कहाँ पर है, आपके गाजियाबाद में था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात जो आपका है वो कितना है, महिला पुरुष का जो अनुपात है अर्थात लिंगानुपात है वो आपका कहाँ का सर्वाधिक मतलब क्या है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 912/1000, ठीक है, ये आपका है 912/1000, इतने में काउंट करते हैं। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरी आबादी वाला जनपद कौन है, सर्वाधिक नगरी आबादी वाला जनपद जो आपका है वो आपका है, याद रखिएगा आपका गाजियाबाद, यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत आपका जनपद है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान जो रहा है वो आपके जैनों को रहा है, याद रखिएगा ये आपके 2011 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है
14 का डी होगा भाई, सिख नंबर सिख होगा, ठीक है। 14 का आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार उच्चतम जो साक्षरता है वो आपकी कहाँ पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो आपकी है वो कहाँ पर है, तो याद रखिए आपके कानपुर नगर में है, ठीक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में है नहीं है, तो उसके बाद आपका कानपुर नगर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर जिला अभी हमने बताया कि गौतम बुद्ध नगर आपका सर्वप्रथम आता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न चार जिलों का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, सही अवरोही क्रम पूछा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर इसके बाद कानपुर और रया, फिर इटावा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले चार जिले आपको पूछा गया है, यहाँ पर जिले जो आपके 18 नंबर में देखना है ऑप्शन में, और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर और रया इटावा, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपका ये भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1000 बालक हों और उधर बालिका शिशु, इनका जो डिफरेंस है अर्थात इनका जो अंतर है, या कह सकते हैं इनका जो लिंगानुपात इनमें देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा। हमें अभी हमने आपको बताया था कितना, 902 बताया था, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 902। अगला है सन 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो देख सकते हैं 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी है वो आपकी 20.22% है, याद रखिए, रट लीजिएगा क्वेश्चन, 20.22%। अगला है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट यहाँ पर चुनना है, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से पूछा है भाई, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब में। तो जनसंख्या के हिसाब में आपका प्रयागराज अर्थात आपका इलाहाबाद हो गया, फिर आपका यहाँ पर बाद शब्द मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आपका यहाँ पर लखनऊ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा, ठीक है। चलिए अगला है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपके गौतम बुद्ध नगर में, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए आप श्रावस्ती तो दिया नहीं है, आपका ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर रामपुर में है, ठीक है, रामपुर में। अगला है निम्न से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो आपका है वो आपका है प्रयागराज, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा प्रयागराज, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला गौतम बुद्ध नगर है, 28 को ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, सबसे कम जनसंख्या, और सबसे कम जनसंख्या अभी हमने बताया था कि बस शब्द इसमें भी मिलता है जो कि आपका दिया है महोबा, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, 10 लाखी नगरों की संख्या अर्थात 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, तो यहाँ पर आपका 7, ये 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग आपका है, ठीक है, 30 को ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और अगला है 2011 के अनुसार निम्न से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है जो कि अभी हमने आप बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनगणना में देख सकते हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। पहले हमने थ्योरी यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको कुछ नोट्स बना सकें और अच्छी तैयारी आप कर सकें। सबको पसंद आया है, और पसंद आया तो आप लोग वीडियो लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।